कि कोई दीवाना कहता है बाबा। अरे दांत देनी है खाज नहीं देनी है। सुनेगा मस्ती के साथ सुनेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहां थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, ये गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा होता हूँ, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तब पंक्ति पढ़ता हूँ, गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। तब पंक्तियां सुनना, कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास दाद चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। क्या बात है। वाँ 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 वाँ। ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दें। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सका। जो मेरा हो नहीं पाया। और एक मुक्तक और सुनिए, इसके बाद मैं कविता पढ़ता हूं। प्रेम में जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको चार पंक्तियां पढ़ा था, सुनिएगा चार पंक्तियां। और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं। बरसों प्रेम लिखने के बाद यदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में, सुनिएगा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, मस्ती के साथ सुनना और मैं जो सुनाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब
सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। और प्रोफेसर की विदा चाहता हूँ इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो एक कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। जो कह रहे हैं वो भी सुने और जिनके लिए कह रहे हैं उनकी दाद भी उठे। कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। दिल धड़के तो दाद देना। कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। अब आकाश भर तालियां अगली पंक्ति पर गुंजाना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की, ये मुरारी बापू वाली नहीं चाहिए, कविता वाली दाद और कविता वाली ताली देना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। मेरा मन था कि मैं आपको कुछ नई कविताएं सुनाऊं और आप सुने, चार पंक्तियां और सुनाता हूं। अब भी कुछ बहुत प्यारे लोग अभी शांत बैठे हैं, ना दाद दे रहे हैं ना वाह कर रहे हैं। मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा। कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले ने पूछा है सुराही से सबब मैं का। अब पंक्ति पहुंचे तो बताना, मधुशाला सुनाई थी मुझसे पहले जो संचालिका थी उन्होंने। किसी प्याले ने पूछा है सुराही से सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना।